कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का बुधवार को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। पटेल का अचानक चले जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस के खजाने को संभालने वाले पटेल अकेले कुशल रणनीतिकार थे। कई मौकों पर उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारों को टूटने से बचाया। राजस्थान की राजनीति में भी पटेल की बड़ी भूमिका रही। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी दोस्तों में थे। गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने से लेकर राजस्थान में उनकी सरकार को सियासी संकट से बाहर निकालने में पटेल की अहम भूमिका रही। बताया जाता है कि जब कांग्रेस आलाकमान इस ऊहापोह में था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब अहमद पटेल की सलाह पर सोनिया गांधी ने गहलोत को पायलट पर तरजीह देते हुए तीसरी बार सीएम बनाया। पटेल के कहने पर ही कांग्रेस आलाकमान ने गुजरात विधानसभा चुनाव में गहलोत को वहां का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। राजस्थान की सियासत में पटेल की भूमिका संकट मोचक के रूप में रही। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके समर्थकों की बगावत के बाद गहलोत को गिरने से बचाने के लिए अहमद पटेल सबसे बड़े ट्रबल शूटर बने थे। राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जा चुकी पायलट के बेहद करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने एमपी में कांग्रेस की कमला सरकार को गिराया था। इसके बाद पायलट के बागी तेवरों को देखते हुए राजस्थान की सरकार पर भी गंभीर संकट मंडराने लगे थे। ऐसे समय में पटेल ने शीर्ष नेताओं को दिल्ली से जयपुर भेजकर न सिर्फ विधायकों को टूटने से रोका, बल्कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की पार्टी में वापसी सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उनके विधायकों की बगावत को कमजोर करने में पटेल की अहम भूमिका रही। बगावत के पहले ही दिन बागी गुट को तब झटका लगा तब उनके साथ दिल्ली पहुंचे विधायकों में से चार विधायक वापस गहलोत खेमे में लौट आए थे। राजस्थान कांग्रेस में हुई बगावत के पूरे घटनाक्रम में पटेल बागियों के खिलाफ गहलोत के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से गहलोत को मिले समर्थन के चलते ही कांग्रेस के शीर्ष विधायकों में अपनी सरकार को लेकर भरोसा जगा। विधानसभा चुनाव से पहले अहमद पटेल जयपुर आकर पूरी फील्डिंग तैयार कर रहे थे। चुनाव लड़ने वाले बागियों को बैठाने से लेकर अन्य तरह के प्रबंधन का काम किया। एक एक प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक लिया गया था। कई दिनों के कैंप करने के बाद वह दिल्ली गए थे। तभी मीडिया को संकेत दे दिया था कि अशोक गहलोत ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के सियासी संकट के दौरान एक वक्त ऐसा आया था जब ऐसा लगने लगा था कि पायलट भी अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद व उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन पटेल से उनकी मुलाकात के बाद पायलट की घर वापसी हो गई। पटेल ने उनकी शिकायतों को भी सुना और उनके निपटारे के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी करवाया। इसमें खुद पटेल व कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल व अजय माकन शामिल थे। हालांकि कमेटी की सिफारिशें फाइल होने से पहले ही पटेल दुनिया छोड़ गए।